Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel. India se Saudi Arabia via Maldives. Kal 9 April ko humne group announce kiya. Aaj 10 April ko we are at Bombay airport with our first departure. Alhamdulillah. Do passengers hamare aaj se jana shuru ho gaye hain. Kal hi humne group announce kiya tha aur aaj humne alhamdulillah logo ko bhejna shuru kar diya hai. Ek baat hum aapko batayenge ki hamare saath hamare representative Mr. Musawwir jo group ko lead karenge यहां से पूरा मालदीव्स जाएंगे इन लोगों को लेकर और आगे जो हमारे मालदीव्स का जो डिपार्चर 16 अप्रैल का जो हमने आपको कल बताया उन लोगों को भी ऑन अराइवल असिस्ट करेंगे और पूरे ग्रुप को लीड करेंगे इंशाल्लाह आपको आगे वीडियोस भी भेजेंगे और इससे ज्यादा अपनापन इससे ज्यादा अच्छा अपना फैमिलियर एटमॉस्फेयर और कहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमने आपको कमिट किया है कि कल हमने आपको बताया कि हम आपको पैकेज बताएंगे नहीं करके दिखाएंगे तो ये हमारे पैसेंजर्स है क्वारंटाइन के जो जा रहे हैं यहां से मालदीव्स इनका सारा डॉक्यूमेंट्स हो चुका है और इनके डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको बता दूं कि किस-किस चीजों से हमने उनको प्रोवाइड किए आइए ये मिस्टर उपेंद्र राम है इनके डॉक्यूमेंट्स है ये इनकी बॉम्बे से मालदीव्स की टिकट है ये इनकी आगे की टिकट है ये इनका होटल वाउचर है और ये इनका रिपोर्ट है टेस्ट का और ये आपको बताना चाहेंगे ये ऑन अराइवल वीजा का अप्रूवल है इस कोड पे इंशाल्लाह इनको ऑन अराइवल मालदीव्स की वीजा मिलेगी और इसके बाद ये मालदीव्स में 15 डेज स्टे करेंगे जिसका होटल वाउचर हमने इनको ऑलरेडी यहां प्रोवाइड कर दिया है तो जब ये मालदीव्स उतरेंगे इसके आगे की डिटेल्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर मुसव्वर आपको देंगे आगे के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए थैंक यू अस्सलाम वालेकुम मैं मिस्टर मुसव्वर क्लासिक टूर का रिप्रेजेंटेटिव और हमारे साथ अभी जो है दो पैसेंजर जो है मेरे साथ ट्रैवल करेंगे मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूं और आगे के सारे अपडेट्स इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा जिस तरह हमने बताया अभी कि सारे डॉक्यूमेंट उनके रेडी है और सब कुछ रेडी टू प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारा जो फ्लाइट है ऑन टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी और हम लोग आगे का प्रोसेस जो है जैसा जैसा होते जाएगा हम आपको अपडेट देते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि किस तरह ईजिली मालदीव से आदमी प्रोसेस होकर सऊदी पहुँच सकता है जज़ाकअल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम देखिए जिस तरह हमने आपको एयरपोर्ट के बाहर अपडेट दिया था कि हम आज 10 अप्रैल को जा रहे हैं मालदीव्स और मालदीव्स से हमारे कुछ पैसेंजर्स जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया इंशाल्लाह तो आपको हम बता दें कि किस तरह स्मूथली प्रोसेस हो चुका है इनका इमिग्रेशन और बोर्डिंग आइए आपको हम मिलाते हैं उनसे अस्सलाम वालेकुम देखिए हम लोग जाने की तैयारी किए हमारे अब बोर्डिंग कार्ड हो गया स्टैंपिंग हो गया इंशाल्लाह 9 तारीख को हम लोग कॉल किए थे 10 तारीख को इंशाल्लाह हम लोग बोल रहे हैं तानदीप के लिए ये देखिए ये इनका पासपोर्ट है जिस पे 10 अप्रैल का इमिग्रेशन का स्टैंप है और 10 अप्रैल का इनका ये बोर्डिंग पास है अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दूसरे पैसेंजर हैं इनका भी जो है बोर्डिंग पास आप देख सकते हैं 10 अप्रैल का है और इनका 10 अप्रैल का इमिग्रेशन का स्टैंप आप देख सकते हैं शुक्रिया Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हमने आपको बताया कि बॉम्बे एयरपोर्ट पर अपडेट दिया था, उस तरह देखो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग जो है मालदीव एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन क्लियर कर चुके हैं। तो हमारे साथ में जो हमारे जो पैसेंजर्स है वो अभी आपको अपडेट देंगे, इनका पासपोर्ट पर स्टैम्प बताएंगे किस तरह जो है इमिग्रेशन क्लियर करके स्टैम्प होता है। अस्सलाम वालेकुम। देखो ये पासपोर्ट पर इनके जो है वो स्टैम्प लग गया है इमिग्रेशन का मालदीव का। ये हमारे भाई दुलाराम भाई और ये हमारे उपेंद्र भाई, इनकी पासपोर्ट को भी जो है देखो स्टैम्प लग चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग यहाँ पर एकदम आफियत से पहुँच गए हैं। अब आगे का अपडेट हम आपको आगे देंगे। देख सकते हो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है ये। व्हाइट सैंड गंदा मड को मी मीमी हो का तनिमा मीन गंदा उड़िया में व्हाइट सैंड। ये देखो यहाँ की गलियाँ कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बेहतरीन नज़ारा है, यहाँ पर सामने सी व्यू है पूरा। ये हमने जो रूम दिया है हमारे पैसेंजर्स को अभी, वो रूम इस तरह है, कुछ काफ़ी अच्छा और डिसेंट रूम है। यहाँ बाथरूम है, काफ़ी डिसेंट बाथरूम है। रूम काफ़ी स्पेशियस है, दो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रूम है। ये देखो डिनर का एरिया है, यहाँ पर डिनर हो रहा है, होगा अभी यहाँ पर, ये डिनर का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे इस तरह जो है बुफे लगाया गया है, अच्छी खासी स्पेशियस एरिया है सिटिंग के लिए। ये काफ़ी अच्छा डाइनिंग एरिया है खाना खाने के लिए।